हैं ज्योत्सना। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबर। देखिए आपको बताया कि दिल्ली में क्राइम ब्रांच PS केस नंबर 22/2020 में दिल्ली पुलिस की टीम बिहार आई थी। उस केस में बिहार पुलिस दिल्ली पुलिस को जो है पूरा सहयोग प्रदान कर रही है और अभी तक जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से सर्जिल इमाम की गिरफ्तारी जहानाबाद जिला के काको थाना क्षेत्र से हुई है और इस संबंध में आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। जो खबर आ रही है कि इसमें वो नेपाल के रास्ते वो भागना चाहता था, अपनी माँ से मिलने आया था, इसमें क्या है? इसके बारे में जो है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभी अनुसंधान जो है दिल्ली पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है। उसके बारे में अनुसंधान या उससे संबंधित पहलुओं के बारे में जो है वो बेहतर बता सकते हैं। बिहार पुलिस ने दिल्ली पुलिस को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया। अच्छा सर, ये क्या वो अपनी माँ से मिलने आया था या फिर वो कैसे पुलिस क्या पहले से क्या कुछ इसके बारे में जानकारी? ये सब अनुसंधान के बिंदु हैं जो इन बारे में दिल्ली पुलिस ही बेहतर बता सकती है। अभी सर क्या करेंगे आपको जहानाबाद से पुलिस, क्या दिल्ली पुलिस को आपने हैंडओवर कर दिया है? नहीं, मैं बता रहा हूँ जैसे कि इस संबंध में जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जा रही है, अभी वो अंडर प्रोसेस है इसलिए उस संबंध में ज्यादा कहना मुनासिब नहीं। दिल्ली चले सर्जिल को भेज देगा? मैंने बताया कि ये दिल्ली पुलिस के केस में बिहार पुलिस ने दिल्ली पुलिस को कोऑपरेशन एक्सटेंड किया है और ये दिल्ली पुलिस के केस के
अभियुक्त है, तो उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। बिहार पुलिस की क्या भूमिका रही, कितना सपोर्ट आप लोगों ने दिल्ली पुलिस? पूरा सहयोग प्रदान किया गया, वो इसी से पता चलता है कि इनकी गिरफ्तारी जहानाबाद जिला के अंतर्गत की गई। जब खुद मुख्यमंत्री ने भी बताया कि एक बड़ी चुनौती थी और एक एक जो सर्जिकल इमाम है उसने देश के खिलाफ बयान दिया, तो मानते हैं कि बिहार पुलिस के लिए एक बड़ी बड़ा टास्क था, आप लोगों ने इसको पूरा किया? जो इस कांड के संबंध में या इस गिरफ्तारी के संबंध में कहना था मैंने किया। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।